हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल 99 इन्फो मीडिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो आपका 90% तक डेटा बचा सकती है। दोस्तों, जब से जियो आया है हम पूरे दिन इंटरनेट चलाते रहते हैं और शाम तक हमारा जो डेटा है यानी कि इंटरनेट पैक का जो एक डेली हमें जो डेटा मिलता है 1.5 GB वो शाम तक खत्म हो जाता है। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि रात में डेटा खत्म हो जाता है और हमें कोई अर्जेंट डाउनलोड करना होता है या फिर मूवी देखनी होती है, ऑनलाइन शोज देखने होते हैं, तो फिर हम देख नहीं पाते। तो दोस्तों, बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा डेटा कहाँ यूज होता है? यूट्यूब पर। तो जब आप एक गाना सुनते हो तो उसमें हमें गाना सुनना मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, पर दोस्तों हमें यूट्यूब पर उसकी वीडियो भी देखनी पड़ती है जो जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिस एप्लीकेशन की मदद से आप यूट्यूब पर गाने सुन सकते हैं बिना वीडियो को देखे। क्योंकि चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है वाई म्यूजिक, जैसे कि आप यहाँ डैशबोर्ड पे देख रहे हैं वाई म्यूजिक। तो दोस्तों, बेसिकली इसका काम क्या है, मैं उसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि मुझे कोई वीडियो सॉन्ग देखना है, पर उसमें मेरे को वीडियो नहीं देखनी, ओनली उसकी ऑडियो सुननी है, और मेरे पास डेटा कम है जिससे वीडियो मैं नहीं चला सकता। तो दोस्तों, बेसिकली इस एप्लीकेशन का काम क्या होता है? दोस्तों, ये एप्लीकेशन क्या करती है कि आपकी जो यूट्यूब की वीडियो है उसे बैकग्राउंड में चलाती है, यानी कि आपको वीडियो नहीं देखेगी, ओनली आप ऑडियो सुन के, आपको जो ऑडियो सुननी थी वो आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो ये सबसे पहले आपके मोबाइल में जो सॉन्ग्स डली हैं वो ओपन कर देगी। यानी कि दोस्तों, ये एप्लीकेशन एक तरीके का म्यूज़िक प्लेयर भी है, पर इसका कमाल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप सर्च बार पर जाके टैप करते हैं, फिर दोस्तों मान लीजिए कि मुझे न्यू मूवी के जो सॉन्ग आए हैं, ठीक है, मुझे वो सुनना है। तो न्यू मूवी सॉन्ग टाइप करके हम यहाँ सर्च करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आपके मोबाइल में अगर ऐसा कुछ है तो वो सर्च करता नहीं है, तो आपको बस जस्ट टैप करना है सर्च इन न्यू मूवी, ठीक है। जैसे आप सर्च इन न्यू मूवी पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारी यूट्यूब्स की वीडियो आ चुकी हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि मुझे ये सिम्बा फिल्म का नया गाना सुनना है आग मारे, और इसकी वीडियो नहीं देखनी, तो मैं इस पर डायरेक्ट टैप करूँगा एंड दोस्तों ये गाना चलने लगेगा। दोस्तों, अभी आपको ये आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने मेरी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए माइक जोड़ रखा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये ऑडियो में गाना चल रहा है, मुझे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वीडियो नहीं देख रही। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये सॉन्ग मतलब ये एप्लीकेशंस हर चीज़ पे, मतलब पूरे यूट्यूब्स की हर वीडियो पे काम करता है। जैसे वीडियो को देखना चाहते हैं, उसकी ऑडियो अकेली सुनना चाहते हैं, आपको वीडियो से कोई मतलब नहीं, तो आप उस वीडियो का टाइटल सर्च करके आप सर्च कीजिए। जैसे कि हमारे ये यूट्यूब चैनल आ गया, मान लीजिए कि आपको मेरी कोई सी भी वीडियो देखनी है, आप उस वीडियो पर टैप कीजिए, वो वीडियो चलने लगेगी, उसकी ऑडियो एक तरीके से ऑडियो प्लेयर की तरह चलने लगेगी, आपको वीडियो देखने से कोई मतलब है ही नहीं। तो दोस्तों, काफ़ी काम की एप्लीकेशन है ये, यूट्यूब को बैकग्राउंड में चलाती है। देख सकते हैं कि आप इस समय वो गाना चल रहा है, अब फिलहाल तो मैंने पॉज कर रखा है, तो यूट्यूब को आप बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।